दोस्तों, जब कभी हम YouTube चैनल बनाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि यार हम अपने चैनल का नाम क्या रखें। जी हाँ, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। आप कुछ भी रख लो यार, अपना नाम रख लो। जैसे मेरा नाम है दिग्विजय, दिग्विजय सिंह रख लो। मैं कुछ भी रख सकता हूँ, दिग्विजय तोमर रख सकता हूँ, तोमर दिग्विजय रख सकता हूँ। फिलहाल मैंने अपने चैनल का नाम रखा तोमर डी, और उसका तोमर का टी और डी करके जो दिग्विजय का डी है उसको मैंने जो है अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है प्रोफाइल पिक्चर या कहते चैनल का जो लोगो है वो करके मैंने बना लिया। लेकिन आपको कुछ अच्छा सा नाम रखना है तो आप इस तरह से कुछ रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे अच्छा नाम रखने का तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका चैनल जो है वो सर्च में भी आए, लोग बाग कुछ भी ढूंढे वहाँ आपका चैनल जो है सबसे पहले उनको दिखाई देगा। अगर आपका चैनल यूनिक है, यानी कि अगर मैंने तोमर डी रखा हुआ है तो मैं सर्च करूँगा, पहले ये चेक करूँगा कि ऐसा तो नहीं है तोमर डी करके ऑलरेडी 20-25 चैनल पहले से बने हुए हैं और मैं ऐसे ही कोई चैनल का नाम रख लूँगा, तो यकीन माने दोस्तों वो चैनल चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब चैनल सर्च करने बारी आएगी तो मेरा चैनल से पहले और मुझे वो बहुत सारे चैनल जो हैं वो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे पहला जो सब्सक्राइबर का माइंड होता है ना वो यही होता है कि यार जो नाम अगर ढूंढा है नाम में उसको बहुत सारे नाम मिल गए, उसको कोई अट्रैक्टिव नाम अगर मिल गया है, उसके ऊपर लोगो अच्छा मिल गया तो उसकी तरफ खिंच जाता है और उस चैनल को ओपन करके देख ले, तो हो सकता है उसके काम की चीज़ वहाँ मिल जाए, आपके चैनल तक वो जाए ना। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, जिससे पता रहे कि आप अपने YouTube चैनल का नाम किस तरह से अच्छा रख सकते हैं और अपने फील्ड के हिसाब से रखते हैं। अगर आपका गाड़ियों का चैनल है तो आप गाड़ियों के चैनल के हिसाब से, टेक है, ट्रैवल का है तो आप कैसे सर्च करेंगे। आइए इस फटाक से इस बढ़िया सी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन कर दी है आप सभी लोगों के साथ में शेयर। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने गूगल क्रोम पर आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेते हैं, इसका पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है YouTube नेम जनरेटर। जैसे आप देख सकते हैं मैं सर्च किया हुआ था तो यहाँ पे इसलिए आया हुआ है। हम YouTube नेम जनरेट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे नाम जो हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, इनमें से किसी के भी नाम जो है आपको किसी को भी क्लिक करके यहाँ से अपना नाम जो है आपको ढूंढ लेना है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले की, तो यहाँ पर YouTube नेम जनरेटर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक अलग ही पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ ये आपको आपसे पूछेगा भैया क्या रखना है नाम आपको। जैसे कोई कीवर्ड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे मैं समझता हूँ कि मुझे ऑटोमोबाइल के रिलेटेड जो है अपना चैनल रखना है, तो मेरे नाम में मुझे ऑटो रखना है, मतलब कार रखना है या ऑटो रखना है या कुछ रखना है, तो मैं चलिए ऑटोमोबाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के नाम से सर्च कर लेते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल पर जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं दोस्तों, तो जनरेट करने के बाद में ये हमें एक अलग पेज पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आपको इंडस्ट्री सर्च रिजल्ट या फिर आपको कुछ सेव भी कर सकते हैं। वैसे इंडस्ट्री आप सेलेक्ट करना चाहे तो कर दीजिए, अदरवाइज तो मैं नहीं करूँगा, मैं इसी तरीके से नाम सर्च करूँगा। आप यहाँ पे लिखा था ना, आप यहाँ पे अपने पसंदीदा बहुत सारे चैनल तो उनको टिक कर सकते हैं, तो आपको जब बाद में सर्च आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भैया 2 सर्चेज हैं, आपको वो 2 सर्चेज जो है वो दिखा देगा। फिलहाल यहाँ से चलते हैं वापस और आप देख सकते हैं कितने सारे नाम जो हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, कंसल्टेंट ऑटोमोबाइल, टाइटलर ऑटोमोबाइल, डेली ऑटोमोबाइल और बहुत सारे हैं, एडवांस ऑटोमोबाइल यानी स्पार्क ऑटोमोबाइल, एडिटर ऑटोमोबाइल्स, इस तरह बहुत सारे चले जाए यार, मतलब इतने सारे मिलेंगे, बूम ऑटोमोबाइल। आप मतलब जो भी अपने चैनल का नाम रखना चाहे वो इनमें से कोई भी छांट कर आप एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करिए और उसके बाद में अपना काम शुरू करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ऑटोमोबाइल के लिए है तो ऑटोमोबाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी और फील्ड की, जैसे मैं बात कर लेता हूँ ट्रैवल की या फिर व्लॉग्स की कर देता हूँ, क्योंकि आज व्लॉग्स ट्रेंडिंग में है, तो व्लॉग्स हम सर्च कर लेते हैं। तो भैया ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे नाम आ जाएंगे दोबारा से, जो आपको नए नए नाम दे देंगे, इंस्पायर व्लॉग्स, रिलायबल व्लॉग्स, रिपेयर व्लॉग्स, ड्रीम व्लॉग्स, सोसाइटी व्लॉग्स, हैंग टाइम व्लॉग्स, बेंगी, ये क्या है बेंगी व्लॉग्स, ऐसे तो यार मतलब डिफरेंट ही नाम आपको मिलेंगे, डार्लिंग व्लॉग्स और शेयर्ड व्लॉग्स। तो दोस्तों नाम बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आपको तो सेलेक्ट करना है ग्रुप वॉल, शाइन व्लॉग्स, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो नाम बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का नाम चाहिए।
तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? मुझे पता है यार पसंद तो आई होगी, अगर आपने वीडियो देखी पूरी तो 100% आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप अपने चैनल का नाम इन मोबाइल के जो साइट्स हैं इनसे आप देख सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इनेबल करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके किसी काम आ सके। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।